वेलकम टू द फाइनल फैक्ट। दोस्तों मैं हूं जय गुजर और आज की इस वीडियो में मैं एक पंजाबी गाने का रिव्यू करने वाला हूं और उस गाने का नाम है लारे जो कि आज ही रिलीज किया गया है। मैं सब कुछ छड़ देता तेरे कर के तेरे उतो सब कुछ वारी बैठिया। और चलिए पहले तो हम इस गाने के बारे में बात कर लेते हैं कि इस गाने के अंदर किस किस आर्टिस्ट ने काम किया है और कौन कौन सा रोल निभाया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लारे सॉन्ग के बारे में जिसको कि गाया है पंजाबी सिंगर मनिंदर भुट्टर ने और इस गाने को लिखा है मेरे फेवरेट पंजाबी सॉन्ग राइटर जानी ने। अगर हम बात करें इस गाने के म्यूजिक और कंपोजर के बारे में तो इस गाने को कंपोज किया है बी प्राक ने और इस गाने को डायरेक्ट किया है अरविंदर खायरा ने। दोस्तों इस गाने में फीमेल एक्ट्रेस हैं सरगुन मेहता जिसको कि आप लोग पहले से ही काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये गाना मुझे कैसा लगा। दोस्तों इस गाने का ऑडियो वर्जन आज से एक महीने पहले ही रिलीज किया जा चुका है और इस गाने के ऑडियो वर्जन को अब तक 7.7 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। आपको बता दूं कि जब इस गाने का ऑडियो वर्जन रिलीज किया गया तो वो सभी सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पर काफी दिनों तक ट्रेंडिंग करता रहा और इससे पता चल जाता है कि इस गाने का ऑडियो वर्जन पहले ही लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। अब बात करते हैं इस गाने के वीडियो वर्जन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे व्हाइट हिल म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस गाने का वीडियो वर्जन रिलीज कर दिया गया और गाने को अब तक 2 घंटों के अंदर 4,37,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही इस गाने को अब तक 54,000 से ज्यादा बार लाइक भी किया जा चुका है। दोस्तों गाने की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा गाना है जिसके अंदर आप लोग हैप्पी भी होगे, रोओगे भी और सैड भी हो जाओगे, यानी कि एक ही गाने के अंदर आप लोग सभी फीलिंग को फील कर लोगे। दोस्तों गाने की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर मनिंदर पाजी अपनी जीएफ से फोन पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और तभी उनका एक दोस्त आता है और उनसे पूछता है कि कौन है। तो मनिंदर पाजी पहले तो उनको बताते नहीं है और फिर वो ऐसे ही व्या के बारे में बात करता है। तब मनिंदर पाजी बोलते हैं कि व्या के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है, वो बस ऐसे ही बोलते हैं। बट उनकी जीएफ सोचती हैं कि मनिंदर पाजी उनको धोखा दे रहे हैं। इसके बाद मनिंदर पाजी की जीएफ उनसे नाराज हो जाती हैं और वो उनको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनकी जीएफ नहीं मानती है तो वो भी वहां से चले जाते हैं। और कुछ दिन निकलने के बाद उनकी जीएफ को एहसास होता है कि मनिंदर पाजी ने कोई गलती नहीं की थी और फिर वो उनको मनाने की पूरी कोशिश करती हैं, बट फिर मनिंदर पाजी उनसे बात नहीं करते हैं। दोस्तों इससे आगे क्या होगा वो पूरी स्टोरी मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस गाने को जरूर देखें, एक बार नहीं 10 बार देखें, क्योंकि ये गाना डिजर्व करता है 500 से 1,000 मिलियन व्यूज और शायद ये गाना 500 से 1,000 मिलियन व्यूज पा भी लेगा। तो इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए इस गाने को देखना और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये गाना आपको कैसा लगा। तो कुल मिला के दोस्तों गाना मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये गाना कैसा लगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।